विधानसभा में सोमवार को सत्र शुरू होने के साथ मुख्यमंत्री स्काई योजना का मामला उठा। सिहावा विधायक लक्ष्मी ध्रुव के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना की जांच कैग से कराए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि टेंडर जारी करने से लेकर मोबाइल बांटने तक की जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही बचे हुए मोबाइल को वापस करने के लिए कंपनी से बात की जाएगी। सिहावा विधायक लक्ष्मी ध्रुव ने सदन में स्काई योजना पर सवाल करते हुए कहा कि नेटवर्क नहीं तो मोबाइल का क्या होगा। जियो कंपनी को फायदा पहुंचाने का खेल चल रहा है, मोबाइल फट भी रहे हैं। सीएम ने सदन में जानकारी दी कि इस योजना में 29,14,845 मोबाइल फोन बांटे जा चुके हैं, शेष 9,20,518 फोन अभी बचे हुए हैं। कंपनी ने 144 करोड़ का बिल दिया था जिसमें से 189 करोड़ का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रमन ऐप और नमो ऐप को मोबाइल में डाला गया था जिससे योजना के नाम पर पार्टी अपना प्रचार कर सके। अजित जोगी ने आरोप लगाया कि इस योजना को लेकर काफी गड़बड़ियों की शिकायत है जिसका पूरा विवरण आना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री के जवाब पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा ने विरोध जताया। उन्होंने जांच के बगैर भ्रष्टाचार की बात कहना सही कही।